पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 ग को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं अभी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख लिया। माननीय, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। इस अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मान्य, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति।